नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज चर्चा करते हैं मस्तिष्क रेखा की और एक ज्योतिषी के हाथ में कौन कौन सी रेखाएं होती हैं और आप कैसे पता करोगे कि कोई व्यक्ति ज्योतिषी है या नहीं है या उसमें कितनी इंट्यूशन पावर है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना हाथ दिखाना चाहूँगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये मस्तिष्क रेखा, आप जैसे जानते हैं ये मस्तिष्क रेखा पूरी होती है दोस्तों। जब ये मस्तिष्क रेखा पूरी होती है तो व्यक्ति में इंट्यूशन पावर होती है। ये इंट्यूशन पावर चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है। इंट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा भविष्य बोलना जो वास्तव में सटीक सिद्ध हो जाए। अब आप दोस्तों मेरा दूसरा हाथ देखिए, मेरा ही हाथ है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी मेरी मस्तिष्क रेखा पूरी है। तो ये दोनों मस्तिष्क रेखाएं जब दोनों हाथ में हों दोस्तों, ये बहुत कम लोगों के होती हैं। कीरो के थी ये मस्तिष्क रेखा, और भी आपको ज्योतिषियों के हाथों में मिल जाएगी। तो ये मस्तिष्क रेखा पूरी होनी चाहिए दोनों हाथों में। इसके साथ ही साथ देखिए नीचे आपको यहाँ पे मत्स्य रेखा का यानी मछली की रेखा का बैक पोर्शन दिखाई देगा, इस हाथ में भी और इस हाथ में ये थोड़ा सा कम होगा। तो दोस्तों ये विशेष चिन्ह होते हैं जिसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई आदमी वास्तव में ज्योतिषी है या आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क रेखा के द्वारा हम ये देख सकते हैं, और ये बहुत आसान है कि व्यक्ति में इंट्यूशन पावर है यानी प्रिडिक्ट करने की क्षमता है या नहीं है। तो अब आपको मैं ऐसी वीडियो दिखाता रहूँगा, और मेरे चैनल को आप देखते रहिए, और अगली वीडियो तक के लिए आप इंतज़ार करिए। कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।